रहा है आपको यहाँ पर, हालात जो देख रहे हैं क्या लग रहा है कि समाजवादी ने कितना विकास किया? कुछ नहीं किया, बस सिर्फ समाजवादी में क्या हुआ है कि लूट मार हुई, सब फ्लो में सिर्फ मजलिस आगे बढ़ेगी और मजलिस का टाइम है। चलो माना, अगर आपको दो दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए उत्तर प्रदेश का, पहला काम क्या करेंगे? बैरिस्टर साहब का सिपाही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी का सिपाही हूँ, कम से कम 5 साल तो दो। पहले अगर आप सीएम दो दिन का नहीं, अगर मतलब 5 साल का मांग रहे हैं, जैसे बनेंगे पहले किसको जेल में डालेंगे? पहले अखिलेश यादव को डालूंगा, फिर योगी को डालूंगा। आपको 5 साल का, 5 साल का समय चाहिए, आपको 5 साल का समय चाहिए कि अखिलेश यादव योगी को आपको जेल में डालना? बिल्कुल, बहराइच में जो मुसलमानों को मारा है, तो 5 साल का यार बैरिस्टर साहब का सिपाही हूँ। मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ तो कसम बोला कि अखिलेश यादव ने चक्का जाम कर दिया, मुसलमान हजारों हजार की तादाद में मारा गया। अगर एक विधायक और अखिलेश यादव की जब सरकार आई थी ना, उत्तर प्रदेश के अंदर तो रंगारंग का प्रोग्राम चल रहा था, मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा था पता आपको? 150 घरों को जला दिया गया था, तो वहाँ कौन था? हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मौजूद था। सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त कुंदरकी में हूँ, ये मुरादाबाद है, यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर सारी पार्टियाँ अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं, लेकिन इसी बीच आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मैदान में है। आप देख सकते हैं ये पीछे काफिला है आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, जो अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, यानी कुंदरकी कस्बे के अंदर जनता से डोर टू डोर मिलकर उनसे बातें कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या हालचाल है लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या आगे से लोग बोल रहे हैं? बस पतंग ही पतंग सुना रहे हैं लोग, जो सुना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी के जो विधायक रहे हैं कंटिन्यू, कम से कम समाजवादी का 15 साल यहाँ पर रहा है। यहाँ पर रोटो की कंडीशन देखी जाए तो ये है कि रोटो पे निकला नहीं जाता, अगर चौमा बारिश का कंडीशन बारिश होती है उस वक्त अगर देखा जाए तो बगैर एक्सटेंड के यहाँ से नहीं निकली जाती बाइक वगैरह कोई भी वगैरह यहाँ पे ऐसे। लोकल के हैं जी? लोकल के हैं। अच्छा। यहाँ पे शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ की 80% तो है जनता अनपढ़ रह चुकी है, सिर्फ इसी बिना पे के पैसा नहीं होने के बिना पे सरकार ने कोई ऐसा कॉलेज नहीं दिया, यूनिवर्सिटी नहीं दी 29 विधानसभा। अब जनता ने जो ठान रखा है वो यही ठाना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लाना है और शिक्षा को मजबूत करना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मतलब लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग डायरेक्ट अपना नाम ले रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? जी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का लोगों ने सब ठान लिया है। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? ओवैसी साहब को इधर। आपको क्या लग रहा है? ओवैसी साहब। हाँ भाई साहब, क्या लग रहा है? ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी, पतंग। ठीक है, पतंग का यहाँ पर जोर लोग बता रहे हैं, ये समर्थक है सारे। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या देख रहे हैं इस बार? आप लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोग क्या? आप छक्के छुड़ा देगी पतंग, चिंता ना करे, इंशाल्लाह इनकलाब आ रहा है। अब इनकलाब किसी को नहीं, पतंग जीती 4 महीने में, पतंग जीती है यहाँ यहाँ कुंदरकी में। हाँ, जर्मनी में भारी मात्रा में। हाँ। चेयरमैनी के जो चुनाव हुए थे। हाँ। भाई साहब, जो समाजवादी पार्टी दावा करती थी। हाँ। नंबर वन पार्टी का उत्तर प्रदेश में। हाँ। वो 4th स्थान पर गई और ऐसा ही संभल हुआ फर्स्ट नंबर, यानी के नंबर वन पे जो आई वो MIMI। भाई साहब वही रुझान है आज भी। आप क्या लग रहा है आपको यहाँ पर, हालात जो देख रहे हैं क्या लग रहा है कि समाजवादी ने कितना विकास किया? कुछ नहीं किया, बस सिर्फ समाजवादी में क्या हुआ है कि लूट मार हुई, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी भी उसी के कदमों पर कदम रख रही है, इसलिए फ्लॉप होते जा रहे हैं सारे, सब फ्लॉप है, सिर्फ मजलिस आगे बढ़ेगी। और मजलिस का टाइम है, कहना चाहूंगा मैं नौजवान साथियों से। हाँ। कि मजलिस को अपनाइए और बैरिस्टर साहब के कदमों पर कदम रखिए, अपने कायद को मजबूत करिए। अब आपको क्या लग रहा है भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? पतंग जीतेगी भाई। पतंग क्यों, मतलब किन मुद्दों पर जीतने जा रही है? पहले हम पे कोई विकल्प नहीं था। हाँ। अब हमारा विकल्प आ चुका है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में, इसलिए हम जो है सारे मुस्लिमों ने ये ठाना है पतंग को ही वोट करना है। अच्छा ठीक है, तो मतलब लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? लोग भी कह रहे हैं बिल्कुल तैयार है, बैठा है खामोश, और भारतीय जनता पार्टी इतना प्रेशराइज कर रही है लोगों को। यहाँ पर समाजवादी विधायक रहे हैं, यहाँ से जियाउर रहमान बर्क थे, अब वो MP बन गए हैं, तो ये सीट खाली हुई है, तो उनका दबदबा तो यहाँ मौजूद है ना भाई साहब? दबदबे की बात कर रहे हैं कि घर में घुसे पड़े हैं, आज मजलिस के शेर चल तो रहे हैं सड़कों पर, और वो ये समझते हैं कि बी टीम बताते थे, लेकिन बी टीम नहीं। आपने देखा होगा इम्तियाज जलील ने कैसे भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में चक्का जाम कर दिया महाराष्ट्र में। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आने वाले टाइम में 15 सीटें आ रही है महाराष्ट्र में, बिल्कुल 15 सीट। कुंदरकी की बात करिए, कुंदरकी में भी वहां है, कुंदरकी का स्टेप भी तो चलेगा। क्या विकास आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है? हुआ क्या है आप एक बताइए ना, हुआ क्या है? अच्छा चलो माना। हाँ। अगर आपको दो दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए उत्तर प्रदेश का, पहला काम क्या करेंगे? पहला काम दो दिन का, ये क्या बात हुई भाई?
दो दिन का, पूरे पांच साल दो, बैरिस्टर साहब का सिपाही हूँ, असदुद्दीन उवैसी का सिपाही हूँ, कम से कम पांच साल तो दो। पांच साल काहे देते हैं आपको? पांच साल क्यों नहीं दोगे आप? पांच साल दोगे आप? कम से कम दो दिन का आप मुख्यमंत्री बन गए मान लीजिए, क्या करेंगे? और आप करें पांच साल, यार अजीब बात कर रहे हैं आप, दो दिन की क्या बात कर रहे हैं आप? पूरे पांच साल दीजिए ना। और देखिएगा अभी अखिलेश यादव की जब सरकार आई थी ना, उत्तर प्रदेश के अंदर तो रंगारंग का प्रोग्राम चल रहा था, समझ रहे हैं? नहीं, मैं शुद्ध भाषा में बता रहा हूँ आपको, रंगारंग प्रोग्राम सैफई के अंदर चल रहा था। और मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा था पता आपको? 150 घरों को जला दिया गया था। तो वहां कौन था? हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी मौजूद था। और उसी के उसी संज्ञान में, यानी कि सरकार के दौरान ही दादरी में क्यों अखलाक के परिवार को हैं? कहां था अखिलेश यादव? आपने देख रही, कम से कम उसे जेल में डालने का तो समय दीजिए पांच साल का। और योगी ने जो जुल्म ढाए बहराइच के अंदर, योगी यानी कि जो मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, आपको पांच साल का समय चाहिए, आपको पांच साल का समय चाहिए कि अखिलेश यादव योगी को आपको जेल में डालना? बिल्कुल, बहराइच में जो मुसलमानों को मारा है, तो पांच साल का यार बैरिस्टर साहब का सिपाही हूँ, तो कम से कम पांच साल में हिसाब तो करने दो इनसे। मेरा दिल जो जला है उसका हिसाब करने, कितने पहलू खान को मार दिया, अखलाक को मार दिया, और बसीम को रुड़की में मारा। तो ऐसे कह दिया कि आपको दो दिन मिल जाता है, दो दिन की बात कर रहे हैं आप, दो दिन की? पांच साल का समय दो ना। बैरिस्टर साहब का सिपाही हूँ, असदुद्दीन उवैसी का सिपाही हूँ, और जो मसलक के लिए चल रहा है, कौम के लिए चल रहा है, उसका सिपाही हूँ। हिसाब करूंगा ना, ईमानदारी से करूंगा ना। मेरे भाई मारे गए ना, ईमानदारी से हिसाब करूंगा, बिल्कुल ईमानदारी से करूंगा। बैरिस्टर पहले, अगर आप सीएम दो दिन के नहीं, अगर चार मतलब पांच साल का मांग रहे हैं, जैसे बनेंगे पहले किसको जेल में डालेंगे? पहले अखिलेश यादव को डालूंगा, फिर योगी को डालूंगा। बहराइच में मुसलमानों को मारा है कि नहीं मारा? कम से कम पांच साल का समय। और दो दिन का देना चाहते हैं तो अपना समय अपने पास रखिए। मैं आवाम से भी ये कहना चाहूंगा, पांच साल का समय तो हिसाब लड़की में चुनाव लड़ने, यहाँ की बात कर लीजिए, पहले यहाँ विधायक चुनाव। यहाँ से एक ही हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर 543 सांसदों में मुसलमान काफी बैठते हैं वहाँ पे, लेकिन जुबान किसके हाथ में है? 543 में सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी आंख में आंख डाल के बात करता है। तो आप एक विधायक चुन के भेजेंगे तो विधानसभा के अंदर एक ही विधायक आंख में आंख डाल के बात करेगा वहाँ पे, विधानसभा के अंदर बिल्कुल एक ही विधायक। कैसे जीतेंगे यहाँ पर? यहाँ बहुत बड़ा समाजवादी का गढ़ है, बीजेपी पूरे ताकत के साथ मैदान में लड़ रही है। इंशाल्लाह इनकलाब आ रहा है, मुसलमान जाग चुका है, और मुसलमान के साथ दलित भी है, क्योंकि हमारा नेता किसी कोई कौम या मजहब की बात नहीं करता, दलित भी हमारे साथ है। बिल्कुल इंशाल्लाह जीतेगी, पांच साल का समय दिया, इनमें दोनों को जेल में डालने का काम करेंगे, और जो इनके विधायक जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन्हें भी जेल में डालने का काम करेंगे। अभी पांच साल का चाहिए, हमने तो ऐसा ही कह दिया था कि दो दिन का समय बिल्कुल नहीं चाहिए। ये कोई नायक फिल्म का शॉट नहीं है कि एक दो दिन में काम हो जाएगा। कम से कम दिल दुखे हैं, हमारे भाई मारे गए, उनका हिसाब तो चाहिए हमें। जो पहलू खान को मार दिया, बसीम को मार दिया, कितनों को गिनवाऊं आपको? बहराइच में कितने मुसलमानों को मारा गया? और एक मंगेश यादव, अभी एक मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, एक मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, तो कसम बोला कि अखिलेश यादव ने चक्का जाम कर दिया, उत्तर प्रदेश का चक्का जाम कर दिया। एक मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, मुसलमान हजारों हजार की तादाद में मारा गया। अगर एक विधायक और सांसद की राजनीति करेंगे अगर आपको मौका मिल जाए तो, मतलब उसी में विकास भी करना है, हमारे कायद का कहना विकास भी करना, विकास के साथ राजनीति करनी है, विकास भी करना है, हिसाब करना, हिसाब कम से कम ऐसा हो कि टाइम पूरा मिले हिसाब करने के लिए। देखिए काफिला आ गया, ये ऑल इंडिया मदरसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले दीवाने मिले हैं, जिनको हमने ऐसे ही कह दिया तो क्या बोल कर निकल गए। खैर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा, देखते रहें 24 तक न्यूज़।